दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम भविष्यवाणी करने जा रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। कन्या राशि वालों, आपके लिए 2021 में क्या भविष्यवाणी है, वो पांच भविष्यवाणी कौन सी हैं जो 100% सत्य होंगी, आखिर वो पांच बातें कौन सी हैं जो आपके जीवन में होने वाली हैं 2021 में, वो पांच बातें कौन सी हैं, तो आइए जानते हैं दोस्तों। और ये भविष्यवाणी आपके साथ में, आप यकीन मानिए और ध्यान रखिएगा, मैं आपको महीने बताऊंगा किस महीने में ये कार्य आपका सिद्ध होगा, ये भविष्यवाणी सच होगी। तो उससे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि ये गोचर फल जो है वो मून साइन यानी चंद्राशि के आधार पर है, तो उसी के अनुसार इसे देखना होगा। अगर आपको चंद्राशि पता नहीं है तब इसे नाम राशि के अनुसार देखें। दोस्तों आइए शुरू करते हैं भविष्यवाणी करना, और कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2021, इन पांच चीजों के लिए नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली भविष्यवाणी करते हैं। सबसे पहली भविष्यवाणी है कन्या राशि वालों, आपके लिए अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब पाना चाहते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, इन दोनों कार्यों के लिए आपके लिए सितंबर का महीना बहुत पॉजिटिव है। सितंबर के महीने में आप प्राप्त कर सकते हैं अपना मुकाम, करियर में आपको सफलता प्राप्त होगी, खासकर इन दो सेक्टर में अगर आप पाना चाहते हैं। मैनेजमेंट से संबंधित भी जॉब पाना चाहते हैं तो थोड़े बहुत आपके लिए स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन ये दो कार्य 100% सत्य होंगी, दो कार्य लेकिन एक भविष्यवाणी। अब दूसरी भविष्यवाणी करते हैं। दूसरी आपके लिए, जिस प्रकार से आपकी राशि से ग्रहों का जो गोचर चल रहा है, जो विश्लेषण मैंने किया है, मैंने आपको वीडियो बनाई है 2021 राशिफल के लिए, और उसमें बताया है कि कन्या राशि वालों का 2021 कैसा जाएगा। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, अथवा आप जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहां पर 2021 का राशिफल मिल जाएगा। उसमें मैंने विस्तार से प्रत्येक क्षेत्र के बारे में विशेष बात की है, विशेष चर्चा की है, काफी लंबी वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में हम केवल पांच भविष्यवाणी कर रहे हैं, इसलिए ध्यान रखें। दूसरी भविष्यवाणी क्या है कन्या राशि वालों, दूसरी भविष्यवाणी है कि आपको एक सच्चा प्रेमी मिलेगा, और वो सच्चा प्रेमी कन्या राशि वालों, आपको ध्यान रखना है, वो सच्चा प्रेमी आपको केवल और केवल मीन राशि का व्यक्ति ही मिलेगा। मीन राशि का व्यक्ति के रूप में आपको मिल सकता है सच्चा प्रेमी, अगर और कोई मिलते हैं तो आपके लिए वो सच्चे प्रेमी नहीं हो सकते हैं। तो सच्चा प्रेमी मिलेगा, वो भी अगस्त के महीने में, वो भी 23 अगस्त 24 अगस्त के लगभग में मिलेगा। ये आपके लिए दूसरी भविष्यवाणी हो गई। तीसरी भविष्यवाणी है विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों का मन थोड़ा अशांत रहेगा, कुछ भटकाव की स्थिति की ओर जा सकते हैं, या अपने कोई पढ़ाई को लेकर के गलत डिसीजन ले लें और फिर अपने डिसीजन को खुद ही ये कहें कि ये गलत डिसीजन था, मतलब कुछ भटकाव की स्थिति बन सकती है, खासकर जुलाई के महीने में, चाहे प्यार में पढ़ करके भटक जाएं या धोखा खा करके भटक जाएं और पढ़ाई से मन एक तरह से हट जाए, पढ़ाई में दिल ना लगे, मन ना लगे, ये स्थिति आपके लिए बन सकती है। तीसरी भविष्यवाणी हो गई। चौथी भविष्यवाणी क्या है, चौथी भविष्यवाणी है आपके लिए दाम्पत्य जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन में परेशानियां अगर चलती आ रही थी तो उन परेशानियों में, खास करके डाइवोर्स इत्यादि तक बात पहुंच गई थी, डाइवोर्स इत्यादि लेना चाह रहा था आपका पार्टनर, काफी समय से ये प्रयासरत था आपका पार्टनर, तो वो डाइवोर्स आप बचा पाएंगे, यानी कि डाइवोर्स होते होते आपका बच सकता है। आप ऐसे प्रयास करेंगे 2021 में कि खास करके नवंबर में आपका डाइवोर्स बच जाएगा, ये आपके लिए चौथी भविष्यवाणी हो गई। अब बात करते हैं पांचवी भविष्यवाणी की। पांचवी भविष्यवाणी है व्यापारियों के लिए। अगर व्यापार करते हैं और व्यापार में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं अथवा मार्केटिंग का काम करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन सुनहरा मौका होगा, और आपके लिए एक बहुत ज्यादा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा 2021 पूरा वर्ष। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है 2021 में, आप दिल लगा के काम कीजिए और आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों ये पांच भविष्यवाणी हैं और ये 100% सत्य होंगी।
अगर आप 2021 में ये वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर जय श्री राधे लिखें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें, जो बात है वो कैसी लगी आपको, वीडियो कैसी लगी, पसंद आई है तो उसे लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने कन्या राशि के प्रत्येक मित्र के साथ हमें इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।